हेलो गाइस। तो दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में मैं रिप्लाई करने वाली हूँ कुछ बहुत ही ज्यादा मीन और हेटफुल कमेंट्स का जो मुझे मेरी वीडियोस में आते हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियोस जनरली देखते हैं और कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे को सारे ही खराबी कमेंट्स आते हैं, अच्छे तो मुझे आते ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकती थी, तो मैंने कुछ कमेंट छांट लिए हैं, कुछ फनी भी हैं और कुछ बहुत ज्यादा नफरत से भरे हुए भी है। तो मैंने कुछ कमेंट्स छांट लिए हैं, अब इनको साथ में पढ़ते हैं और इनको रिप्लाई करते हैं कि भाई किसी ने क्या लिखा है। तो सबसे पहला कमेंट रितु कुमारी ने लिखा है, क्या लिखा है आप लोग देख ही सकते हैं, इन्होंने सीधे सीधे गाली दे रखी है, तो कोई बात नहीं यार। नेक्स्ट रितु कुमारी ने ही लिखा है यहाँ पे, चूतिया तेरी माँ, और आगे इन्होंने देख सकते हैं क्या लिखा है। मतलब यार ये तो कोई लड़की है, लड़की हो गया ऐसा कमेंट लिख रही है, वो भी मेरी मम्मी के लिए। भाई कमेंट तो मैंने बनाया है ना यार, वीडियो तो मैंने बनाया है, तो मेरे ऊपर कमेंट करना चाहिए, सीधे मेरे माँ बाप पे चले जाते हैं। रितु कुमारी बहुत बिगड़ गई हो, बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रही हो आजकल कमेंट्स में, अच्छी बात नहीं होती। नेक्स्ट है, किसी ने लिखा है तेरे बहुत बड़े हैं, और आगे क्या लिखा है इन्होंने देख सकते हैं। फिर इन्होंने मुंह बना रखा है, बहुत ज़्यादा बुरा वाला इमोजी इन्होंने बना रखी है। कौन है ये? रितु कुमारी। भाई रितु कुमारी को मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है, लिखे ही जा रही है, लिखे ही जा रही है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखे ही जा रही है। पता है मेरे को लग रही है लड़की नहीं है, कोई ना कोई ये है, कुछ अलग सिस्टम है, ये बस नाम बना रखा है लड़की का। नेक्स्ट किसी ने पायल का फुल फॉर्म लिखा है, पायल का फुल फॉर्म है पी से पागल, ए से आत्मा, वाई से याक, ए से फिर से आत्मा, एल से लल्लू, लाइक पागल जोन हेटर। तो भाई यार कितनी मेहनत लगी है ये, जिसने भी बनाया है पायल का फुल फॉर्म तो भाई बहुत मेहनत लगी है, थैंक यू सो मच। इतना मैंने कभी खुद भी नहीं सोचा था पायल का क्या क्या फुल फॉर्म हो सकता है, एक एक अल्फाबेट का इन्होंने बना के दिया है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, लिखा है किसी ने वोट फॉर पागल जोन इन द पागल खाना, तो किसी ने वोट भी किया है, यो यो यू आर राइट ब्रो। मतलब यार इसके नीचे तो और भी कमेंट्स थे जिसमें लोग बोल रहे थे कि हाँ भाई सही बात है, पागल जोन को पागल खाने में डालो। मैं सही में खुद ही चली जाऊंगी पागल खाने में, मेरे को लग रहा है रहने नहीं देंगे लोग मेरे को यहाँ पे, हर वीडियो के नीचे यही कॉमेंट आते हैं, पागल खाना फॉर पायल जोन। नेक्स्ट नेहा ने लिखा है बदतमीज़ है तू, तो अभी तो भाई बिगड़ने की उम्र है, बदतमीजी करने की उम्र है, तो बदतमीजी तो रहूँगी। नेक्स्ट कमेंट है किसी ने लिखा है, अपनी शीशे में पहले शक्ल देख के आ फिर बोलियो प्रगति दी ने बुलाया था। हाँ तो मैंने ऐसा एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि प्रगति वर्मा ने मुझे अपने बर्थडे पे बुलाया है, तो उस पे तो मैंने कमेंट्स देखे, सब लोग यही बोल रहे थे कि अपनी शक्ल देख तुझे बुलाएगी क्या प्रगति वर्मा, अपना मुँह देख जाके। तो भाई यार ऐसा थोड़ी होता है कि भाई जिसका मुँह अच्छा नहीं है उसको नहीं बुलाएगी प्रगति वर्मा, भाई शक्ल से क्या लेना देना, हमें भी भगवान ने बनाया, प्रगति को भी भगवान ने बनाया, आप सबको भगवान ने बनाया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शक्ल का तो कोई रोल ही नहीं है, तो शक्ल के ऊपर तो कमेंट ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को भी कि भाई तुम्हारी शक्ल ऐसी है तुम्हें क्यों बुलाएगा कोई यूट्यूबर, तो ये गलत बात है। बट हाँ स्टिल कोई बात नहीं गाइस, अब लिखा है तो कोई बात नहीं। किसी ने लिखा है क्या नाम है, देवंशिका ने लिखा है पायल इक्वल टू पागल, जोन इक्वल टू जोम्बी, जोम्बी बना दिया मुझे, इंसान भी नहीं रखा, लाइक इफ़ यू एग्री। तो भाई मैं सबसे पहले लाइक करूंगी, किसी और ने इनका कमेंट लाइक नहीं किया बट इट्स ओके गाइज, मैं जाके लाइक करूंगी और मैं सच में जोम्बी हूँ, मेरे को समझ आ गया है और मेरी हरकतें भी जोम्बी वाली है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अब शेमड़ी इतना मेकअप ठूसे हो, तो यार मैं तो मेकअप करती भी नहीं हूँ यार, मेरा फ़ोन ही ऐसा है कि ऐसा लगता है कितना सारा मेकअप किया है, लेकिन मैंने मेकअप अभी भी कुछ भी नहीं कर रखा है, तो खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट कमेंट लिखा है किसी ने, स्वपन दास ने लिखा है, खुद गरीब हो और दूसरों के वीडियो में घिस जाती हो, मतलब घुसना था इन्होंने घिस लिख दिया है, तो खैर कोई बात नहीं, इन्होंने इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कमेंट्स करके, इसलिए इन्होंने ऐसे से हंसने का भी वो डाला है कि भाई मेरे को हंसी, तो भाई मेरी वजह से अगर आपके चेहरे पर स्माइल भी आ रही है, आपको हंसी आ रही है, तो मुझे मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, तो थैंक यू स्वपन दास आपने ऐसा कॉमेंट किया। नेक्स्ट है पागल जोम्बी, ये तो बहुत सारे लोग मेरे को लिखते हैं, पहले पागल जोन बोलते थे, अब पागल जोम्बी बोलने लगे हैं, मुझे जोन की जगह जोम्बी बता दिया। नेक्स्ट है अभी खेबड़ी, तो बहुत लोग बोलते हैं खेबड़ी शेमड़ी, इसका मतलब मुझे नहीं पता बट बहुत लोग बोलते हैं मुझे, ऐसा क्या होता है मतलब कॉमेंट्स में बताना खेबड़ी का क्या मतलब है। नेक्स्ट है पायल जोन के घर में पॉटी, ये क्या कॉमेंट हुआ यार, यार ये क्या बात हुई यार, मतलब हद है यार। आयुष श्रीवास्तव ने लिखा है पागल जोन के घर में पॉटी, अरे यार, और ऊपर से साइन भी बना रखा है, टॉयलेट का होता है ना कमोड का साइन भी बना रखा है, और उसके बाद है टकला, मतलब यार मेरे को टकला ही बना दिया इन्होंने, तो टकला ही बना दिया मेरे को, मतलब इतने लंबे लंबे बाल है मेरे, अगर मैं खोलती हूँ जब जिस दिन धोती हूँ मैं अपने बाल, मेरे घुटने तक बाल है,
और इन्होंने मुझे टकला लिख दिया कमेंट्स में। यार ये तो गलत बात है यार, ऐसे झूठे कमेंट्स मत करो यार, टकला बना दिया मुझे। नेक्स्ट कमेंट है, पूनम ने लिखा है, पागल जोन कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी क्योंकि उसे बवासीर है। यार तुम्हें कैसे पता पूनम, तुम मेरी फ्रेंड हो क्या? मैंने तुम्हें बताया था क्या? तुम्हें कैसे पता? लेकिन तुम्हें कैसे पता पूनम को कैसे पता? नेक्स्ट है पागल ज़ॉम्बी राइट, वो लड़की घाड़िया को नहीं बुलाती है, घड़ैया मतलब क्या लिखा है ये मेरे को नहीं समझ आया, लेकिन पढ़ने में तो यही लग रहा है शायद गधी लिखना चाहती थी, कुछ तो ऐसा लिखना चाहती थी, समझ नहीं आ रहा, घड़ैया को नहीं बुलाती है। प्रगति वर्मा वाली वीडियोस पे सब पे यही कमेंट आ रखी है, तुम्हारी शक्ल देख तुम्हें बुलाएगी क्या प्रगति वर्मा, भाई शक्ल से क्या लेना देना यार। नेक्स्ट है पोपट कहीं की, यार मैं तो इंसान हूँ यार, पोपट मतलब तो वो होता है ना तोता, या तो मैं इतनी प्यारी हूँ कि लोगों ने मेरे को पोपट ही बना दिया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पोपट है तो फिर चलो ठीक ही है, पोपट भी अच्छा होता है प्यारा सा। नेक्स्ट कमेंट है निखिल ने लिखा है, निखिल विश्वास, पहले बोला है कि प्रगति वर्मा बहुत खराब है और अभी बोलता है प्रगति वर्मा के बर्थडे पर जाके केक भी खा लिया, साला झूठा कहीं का, साला नहीं साली, साली झूठी कहीं की, झूठा नहीं झूठी, मेरा जेंडर मत चेंज करो यार, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लड़की हूँ, मेरे को लड़का ही बना दिया कमेंट्स में। किसी ने हीना ने लिखा है, इतना ज़्यादा मेहनत करके पागल जोन, अरे यार इतनी मेहनत मत किया करो। नेक्स्ट पीयूष ने लिखा है, मोटी और तू सौरभ भैया से प्यार करती है ना, भाई ऐसा नहीं है यार, अगर मैं करती तो मैं बता देती ना अपनी वीडियो में, क्यू एन ए वीडियो बना के बता देती मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग सौरभ जोशी से जुड़े हुए बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें बहुत पसंद है, तुम शादी करना चाहती हो, ये है वो है, तो भाई ऐसा नहीं है यार, ऐसा होता तो मैं बता देती गाइज, मैं उन्हीं को भी बता देती। नेक्स्ट कॉमेंट किसी ने लिख रखा है, कीर्ति है ये कोई, कीर्ति भी बहुत कॉमेंट्स करती है मेरी वीडियोज में, हिंदी में भी करती है, इंग्लिश में भी करती है, मतलब कुछ ना कुछ लिखती रहती है ये कीर्ति। तो इन्होंने लिखा है मर्जा, और आगे इन्होंने क्या लिखा है आप पढ़ ही सकते हो, तो भाई मैं मरी जाऊंगी तो फिर आप वीडियो किसकी देखेंगे, इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस जो मैं बना रही हूँ किसकी देखेंगे। ओके गाइस, सो ये कुछ कमेंट्स थे जिनका मैंने रिप्लाई किया है। हाँ तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे, और मैं सच बताऊं तो मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने अच्छे कमेंट्स किए हैं चाहे खराब कमेंट्स किए हैं, मुझे पता है मेरी हरकतें ऐसी ही हैं कि सारे ही खराब कमेंट्स करेंगे, अगर मेरी हरकतें अच्छी होती तो अच्छे कमेंट्स आते, बट हाँ जैसे बाकी यूट्यूबर्स के आते हैं अच्छे कमेंट्स, मुझे तो आते नहीं है, तो मैंने खराब कमेंट्स पढ़ दिए, कुछ फनी फनी मैंने लिए थे जिसमें बहुत हंसी आई थी मेरे को पढ़ के, तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए, मैंने कहा लोगों को भी हंसी आए जैसे कमेंट्स मैंने दिए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे को कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और खेपड़ी का मतलब भी बता देना कमेंट में। थैंक यू सो मच।